यह है गुर्दा चोरों का सरगना और फरार अपराधी मंजीत, जिसने कई कत्ल करने के बाद अपने हम शक्ल भाई जज रंजीत के घर आकर पनाह ली। जब रंजीत ने अपने अपराधी भाई को कानून के हवाले करना चाहा, तो मंजीत ने उसका खून कर दिया और उसकी जगह खुद जज बनकर न्याय की कुर्सी के साथ खिलवाड़ करने लगा। प्रेम प्रकाश के बच्चे, पुलिस में कंप्लेन लिखवाने जा रहा था। हरामजादे, लटका के रखूंगा। भूल हो गई लालिया भैया, आपको माफ कर दो। माफ कर दो हरामजादे, तेरी इतनी सी चीज अपने क्या ले ली कि तू इतना बड़ा लफड़ा करने जा रहा था। वो छोटी सी चीज देख, उसके बाद भी तो तू जिंदा था, लेकिन अब तेरी जिंदगी की गारंटी खलास। चल। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। वो लालिया है ना, वो हमारे सुहाग को लूटने के पीछे पड़ा है, उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए। हाँ हाँ, मिस्टर केशव, FIR का रजिस्टर दीजिए। देखिए, आप पहले आराम से बैठे, आराम से रिलैक्स। हाँ, अब बताइए आपके साथ क्या हुआ। आपके पति का नाम? पति का नाम प्रेम प्रकाश और हमारा नाम राम प्यारी। साहब, हम मदनपुरे के टीले पर रहते हैं। हमारे पति मिल में कुली हैं। एक दिन उनके पेट में दर्द उठा तो लालिया नाम का आदमी उन्हें उठाकर अस्पताल में ले गया। वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ। लालिया हमसे बोला कि छोटा सा ऑपरेशन है, दो तीन दिन में सब ठीक हो जाएगा। उसके 20 दिन बाद जब वो काम पर गए और बोझा उठाने लगे तो बेहोश होकर गिर पड़े। हम पास के दवा खाने में डॉक्टर के पास ले गए, उन्हें तपास करके बताया कि ऑपरेशन करके उनका एक गुर्दा निकाल लिया गया है। क्या, बिना तुम्हारे पति को बताया उनका गुर्दा निकाल लिया गया? हाँ साहब, और जब हमने लालिया से इस बारे में पूछा तो उसने हमें जान से मार डालने की धमकी दी। क्या, हमारे पति कल रात से घर नहीं लौटे साहब, लालिया ने जरूर उन्हें उठा लिया होगा। साहब, हमारे पति को चलो यहाँ पे अंगूठा लगाओ। चलो यहाँ पे। मिस्टर केशव, मैं इनके साथ मदनपुरा जा रही हूँ। जी। और हाँ, देशमुख जी आए तो उन्हें बता दीजिएगा। आइए। कहाँ है लालिया? वहाँ। लालिया, इधर है इंस्पेक्टर। लेकिन तू काय को आ इधर? हाँ, इसका पति कहाँ है? अरे उसको तो अपुन ने लापता कर दिया, और अब बारी है राम प्यारी की। अगर तेरे को तेरी जिंदगी प्यारी है ना, चली जाए यहाँ से और बंद कर दे अपुन की केस का फाइल, नहीं तो लालिया नाम है अपुन का, लटका के रख देगा। इंस्पेक्टर शांति उस वक्त तक किसी केस की फाइल को बंद नहीं करती जब तक मुजरिम को कानून के शिकंजे में अटकाकर जेल की खाई में लटका ना दे। बोल, अपने पैरों पर चलकर जाएगा या घसीट कर ले जाओ तुझे। उससे पहले तेरी लाश को इस कली के कुत्ते घसीटेंगे। अब अपुन तेरे टुकड़े टुकड़े करके गंदी नाली में बहा देगा। समाज की गंदी नाली के कीड़े, जिसने भी कानून को ललकारा है उसे शांति ने कुत्ते की मौत मारा है। लालिया नाम है तेरा तो शांति नाम है मेरा। लटका दिया ना, चल देख लूंगा तुझे। मारो साली को। Oh!
पकड़ो साली को। आज तेरे को लटका दूंगा। लटका दिया ना। झोपड़ी में झोपड़ी बनाकर रहने वाले बीन पेंदे के लोटे, किसने कहा था तुझे कि कानून के दूम में खुजली कर? उस साले इंस्पेक्टर ने अपन को चैलेंज किया था। चैलेंज किया? अपन उसे कैसे छोड़ देता? अब कानून तुझे नहीं छोड़ेगा। छे, गधा कहीं का। तूने जरूर उस गांव में जन्म लिया होगा जहाँ भूल कर भी कोई अकलमंद पैदा नहीं होता। चल उठ, अस्पताल के डीन को फोन कर। चल। हेलो, मैं तुम्हारा नकली बाप रंजीत बोल रहा हूँ। बोलो। इंस्पेक्टर शांति आदमरी हालत में हॉस्पिटल में लाई जा रही है, उसे पूरा मरवा दो। ओके। इंस्पेक्टर शांति जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाई जा रही है, बॉस का हुक्म है उसे खत्म कर दो। ओके सर। पोस्टमार्टम करते वक्त उसके दोनों गुर्दे निकालना मत भूलना। कम ऑन, जल्दी करो। अरे जल्दी। शांति जी, आप घबराइए मत। जल्दी जल्दी। वर्मा, रेडी हो जाओ। प्लीज इन्हें बचा लीजिए। प्लीज डॉक्टर साहब। डोंट वरी, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। और इन्हें फौरन ऑपरेशन थिएटर ले चलो। पानी, पानी, पानी। अगर हमने तुझे पानी पिला दिया तो हमारा बाप हमें पानी पिला पिला के मारेगा। पानी पिला देते हैं यार, पिला देते हैं। वैसे भी मरने से पहले मुंह में गंगा जल तो डालना ही पड़ता है। क्या हुआ डॉक्टर? सॉरी इंस्पेक्टर, हम उसे नहीं बचा सके। अरे
जरा छुप कर तुम लोग अपने आप को पुलिस से नहीं बचा सकते। बोलो इंस्पेक्टर शांति का खून किसने किया है? खिड़की दरवाजे बंद करने से कुछ नहीं होगा, तुम लोगों को कातिल का पता बताना पड़ेगा। इससे पहले कि मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो जाए तुम लोग घर से बाहर निकल आओ। तो ठीक है, अगर तुम लोग लाठी और जूतों के भूखे हो तो ये लो सर। किस वार्ड में शांति? उनको पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए सर। और इंस्पेक्टर किशन? पुलिस फोर्स लेकर मदनपुरा की तरफ अभी रवाना हुए सर। क्या किसने किया था? मंदिर गया था, झूठ बोलता है। अबे केशव, पुलिस वाले होकर गुंडागर्दी करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या फर्क है तुम्हें और किसी दूसरे गुंडे में? बोलो। हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर का मर्डर हुआ है सर, और ये हरामजादे, ये लोग नाम बताने को तैयार नहीं है सर। शट अप। तुम्हारा ये क्रोध उस समय खास होया रहता है जब किसी आम आदमी का खून हो जाता है। तुम्हारा क्रोध जागता है तो सिर्फ उस वक्त जब किसी वीआईपी का खून हो जाता है तो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच जाता है। सर पहले मैंने इन्हें वार्निंग दी थी, ये लोग जुल्म सहने के लिए तैयार है, झुकने के लिए नहीं। दुनिया घूसों से नहीं झुकती केशव, दुनिया झुकती है तो सिर्फ अक्ल से, सिर्फ अक्ल से। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। हो सके तो कातिल का नाम बता दीजिए। केशव आओ मेरे साथ। सर ये रही रामप्यारी की रिपोर्ट। सर मुझे अगर पहले पता होता कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा तो इंस्पेक्टर शांति को अकेले वहां कभी नहीं जाने देता। ये रिपोर्ट तुमने लिखी? यस सर। बेवकूफी भरी रिपोर्ट है जी। इसमें उस हॉस्पिटल का जिक्र तक नहीं है जिसमें प्रेम प्रकाश का ऑपरेशन हुआ था। ओह माय गॉड। और ना ही उस डॉक्टर का नाम लिखा है जिसने उसे दोबारा चेक किया था। सॉरी सर। बेवकूफ, तुमने इंक्वायरी के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब सिर्फ लालिया बचा है, तुम ऐसा करो कि सारे शहर में पुलिस के जाल बिछा दो। ओके सर। मैं लालिया के अगेंस्ट कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट लेकर आता हूं। मिलार्ड, 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 सॉरी, मेरा क्लाइंट लालिया, बाप का नाम कालिया, बिल्कुल बेगुनाह है। असली मामला यह है कि जब पुलिस इंस्पेक्टर शांति और राम प्यारी के असली कातिल को नहीं पकड़ सकी तो उसने बेचारे लालिया को बलि का बकरा बनाने की ठानी और बस्ती वालों की पिटाई करके जबरदस्ती जबरदस्ती लालिया का नाम लेने पर मजबूर किया। लेकिन जब बस्ती वालों ने लालिया का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाया तो पुलिस ने मजबूर होकर उसके खिलाफ वारंट निकाल दिया। अब मेरी अदालत से दरखास्त है कि उसकी गिरफ्तारी से पहले उसकी जमानत मंजूर करे और उसे पुलिस के डंडे से दूर रखे। आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड। मेरी नकल करता है, तीन बार बोलने की क्या जरूरत है? ये लायर एकदम लायर है, झूठ बोलता है। असली बात यह है मिलाड कि बस्ती वाला लालिया के नाम से डरता है, मगर मरने से पहले राम प्यारी ने अपने बयान में लालिया का नाम लिया। इसमें यह प्रूफ होता है कि लालिया पर जो चार्ज है वो एकदम करेक्ट है। यह झूठ है, यह एकदम सच है। कैसे सच है? वैसे ही सच है जैसे शादी से पहले तू मेरी वाइफ पे लाइन मारता था और तू भी तो शादी से पहले मेरी बीवी पर लाइन मारता। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर।
सॉरी सर। सॉरी सर। अदालत तुम दोनों के पर्सनल झगड़ों से तंग आ चुकी है और तुम्हें आखिरी वार्निंग देती है कि अगर तुमने इस केस के अलावा जाति झगड़ों में अदालत का वक्त बर्बाद किया तो अदालत तुम्हारा वकालतनामा कैंसिल कर देगी। सारी बहस सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ना ही लालिया के खिलाफ कोई चश्मदीद गवाह है और ना ही पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत है, इसलिए अदालत गरीब लालिया के साथ हमदर्दी जताते हुए गिरफ्तारी से पहले उसकी जमानत मंजूर करती है। नहीं मिलोर, गिरफ्तारी से पहले लालिया की जमानत मंजूर मत कीजिए। लालिया पर जितने संगीन इल्जाम है उन्हें देखते हुए गिरफ्तारी के बाद भी उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए मिलोर। इंस्पेक्टर देशमुख, आप अदालत के फैसले की तौहीन कर रहे हैं। मत भूलिए कि इसके लिए कानून आपको सजा भी दे सकता है। आई एम सॉरी सर। नाउ लालिया'स बेल इज ग्रांटेड एंड कोर्ट डिसमिस्ड। इदलानी, वैसे तूने एक खतरनाक मुजरिम को जमानत दिला के अच्छा नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया है कानूनन किया है और तेरे टकले पर थूक दिया है। अब ये ले रुमाल और अपना पसीना पोंछ। पसीना? क्या बे प्रेम प्रकाश के बच्चे, हैं? तूने लालिया के खिलाफ गड़बड़ घोटाला करने की कोशिश क्यों की? मुझे माफ कर दो साहब। माफ कर दो? मुझे जाने दो। अच्छा? मेरे बिना मेरी पत्नी बहुत परेशान होगी। अरे तेरी पत्नी की परेशानी तो अब चिता में जलकर राख हो चुकी होगी। तूने मेरे मासूम गरीब बीवी को मार डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गाली देता है मिस्टर वर्मा? यस सर। इसका दूसरा गुर्दा भी निकालकर हमारे दोस्त अब्दुल हसन को लगा दो। शुक्रिया। गुर्दा ही क्यों, इसके सारे बॉडी पार्ट्स निकालकर हम लाखों कैश करेंगे। हम दादो इंसानी जिस्मों के टुकड़े करके बेचने वाले कसाईयों, भगवान तुम लोगों का कभी माफ नहीं करेगा। तुमसे उसका बदला जरूर लेगा। तुम लोग कुत्तों की बात भरोगे। हमें श्राप देता है, जानता नहीं कि सारी दुनिया के लिए सबसे बड़ा श्राप हम खुद हैं। हटाओ कुत्तों। जल्दी यार, उसकी आवाज सुनकर कान फट गए। देखा मिस्टर अब्दुल हसन, हमने उसकी उम्र घटाकर तुम्हारी उम्र बढ़ा दी। और क्या चाहिए तुम्हें? बिरादर, हमारे दोस्त के लिए एक और गुर्दे का बंदोबस्त हो सकता है? क्यों नहीं मिस्टर अब्दुल हसन, जरूर हो सकता है। रंजीत साहब, जो चीज सारी दुनिया में नहीं मिलती वो आपके देश में। नहीं जाना, मुझे जाना। डॉक्टर वर्मा शर्मा। यस। फाड़ दो इसका पेट और निकालो इसके गुर्दे। ओके। लाइट्स। ये लीजिए एडवांस 3,00,000 रुपए। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रंजीत साहब। हाँ। इंस्पेक्टर देशमुख लालिया के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। पढ़ने दो उसे हाथ धोकर। जिस दिन वो हमारे कपड़े फाड़ने की कोशिश करेगा उस दिन उसका कफन फटेगा। नर्स, अब इस पर अब्दुल हसन की चिट लगाकर इसे हमारे किडनी बैंक में जमा कर दो। मिस्टर लालिया, अब इस लाश को ठिकाने लगाना तुम्हारा काम है। हाँ, लटक गया साला। अब मैं इसका ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा कि पुलिस भी पंचनामा नहीं कर पाएगी। आखिर क्या करूं, जब भी कोई कानून की कमजोरियों से खिलवाड़ करते हुए हम पुलिस वालों का मुंह चिपाता है तो मेरा खून खोलने लगता है। और आप अपने जूतों और कपड़ों के साथ खेलने लग जाते हैं, है ना? आखिर मैं भी इंसान हूं। जब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि समंदर रोज कोशिश करता है कि किसी तरह से धरती को निगल जाए,
लेकिन उसे अपनी हद से सर टकराकर वापस लौट जाना पड़ता है। तो फिर आप क्यों अपनी हद से बाहर निकलना चाहते हैं? हम पुलिस वाले कोई मिल मजदूर नहीं होते। अगर हम भी उनकी तरह से भूपू बजते ही काम पर से हाथ उठाना सीख ले तो पूरा देश उस बीमार मिल की तरह हो जाएगा जिसे हार कर आखिर बंद करना पड़ता। अच्छा बाबा अच्छा, आप जीते मैं हारी। अच्छा आप चलिए, माथे से गुस्से की लकीरें जल्दी से मिटा दीजिए और हाथ मुंह धोकर खाना पीना खा लीजिए। ये ग्लास और प्लेटें न जाने कब से आपकी राह देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, आकाश आ गया? बस आते ही होगा। हाँ, रात के 13-14 बजे तक तो आ ही जाएगा आपका लाडला। आपने अमेरिका उसे इसीलिए भेजा था ना कि वहाँ से मेडिकल करने के बाद यहाँ आकर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहे। ओफो, अभी अभी स्टोव ठंडा किया था तो गैस भड़क उठी। हेलो। हेलो आकाश, मैंने पिक्चर की टिकट बुक कराई है। कोने की सीट है, पिक्चर भी देखेंगे और रोमांस भी करेंगे। रोमांस? रोमांस की बच्ची? मैं उसका बाप बोल रहा हूँ। नमस्ते ससुर जी। शट अप, ससुर की बच्ची। क्या हुआ? किसी लड़की का फोन था आकाश के लिए। कोने में सिनेमा की सीट बुक करा रखी है। जब भी फोन उठा किसी ना किसी लड़की का फोन। आकाश आ जाओ। आकाश अब तो मैं तुम्हारे सपने दिन में भी देखने लगी हूँ। आ जाने दो उस लड़के को। जाने भी दीजिए, जवान लड़का है। अरे आप रहने दीजिए, मैं देख लेती हूँ, नहीं तो आपका पारा फिर से चढ़ जाएगा। ठीक है, आप देखिए, मैं संभाल लूंगी। हेलो। हेलो, आकाश है? नहीं, वो घर पर नहीं है। तू कौन बोल रही है? उसकी नौकरानी? चुप चुड़ैल, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। ओह, नमस्ते सासू जी। सासू जी की बच्ची, खबरदार जो यहाँ दोबारा फोन किया तो। क्या हुआ? कोई आकाश की दोस्त थी, मुझे नौकरानी कहकर बुला रही थी। आने दो आज आकाश को। नौकरानी, जाने भी दीजिए, जवान बेटा है। अरे वाह, जाने भी दीजिए, उसका मतलब कोई भी लड़की मुझे फोन करके नौकरानी कहेगी? बदतमीज कहेगी। अपनी बारी आई तो कैसे तिल मिलाने लगी? नहीं नहीं, आप। हेलो सासू जी, आपने ये तो नहीं बताया आकाश कहाँ गया है? जहन्नुम में। दामन बचा,
शर्मीली महबूबा शर्मा के यूं न जा, शर्मीली महबूबा शर्मा के यूं न जा, कर दूंगा तेरी रुसवाई, आशिक है मेरा नाम, तुम जैसी हसीन हसीनों पर मरना मेरा काम। जहां मैं वहीं, कभी यहां कभी वहां, देखो जहां मैं वहीं, मेरी अदा सबसे जुदा मुझसा कोई नहीं, जब चाहूं उड़ जाऊं रुकता ना मैं कहीं, जब चाहूं उड़ जाऊं रुकता ना मैं कहीं, मैं हूं भंवरा हर जाई, आशिक है मेरा नाम, तुम जैसी हसीन हसीनों पर मरना मेरा काम। आई एम डॉक्टर क्रूज फ्रॉम सांता क्रूज, ये मिसेस गायत्री देवी कहाँ पाई आई जाती हैं? जी मैं हूँ गायत्री देवी। गायत्री देवी फरमाने का वक्त नहीं है, चलिए आओ, चलिए आओ। अरे वक्त बहुत कम है, आप बीमारी बहुत है, चलिए आओ। अरे क्या कर रहे हैं आप? पिता देशमुख ठीक कर रहे थे। शट अप, वो मेरे पिता नहीं पति हैं। अरे एक मात्रा का फर्क है, यहाँ लगा दो ती वहाँ लगा दो ता। वो कह रहे थे कि तुम्हारी एक आंख से कम दिखाई देता है और दूसरी आंख से ज्यादा दिखाई देता है, तुम्हारे एक कान से कम सुनाई देता है दूसरे कान से ज्यादा सुनाई देता है, तुम्हारी एक नाक बंद रहती है और दूसरी सुसुराती रहती है, तुम एकदम उस दुकान की तरह हो जो भारत बंद करो, आधी खुली और आधी बंद रहती है। मुझे कोई बीमारी नहीं है, आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। आप ठीक कहती हैं, बीमार आप नहीं, बीमार आपका पति है। हाँ, he's ill physically as well as mentally. हाँ, his mental balance is disbalanced. क्या? हाँ, because आपस की बात है। मैं ठीक कह रहा हूँ, जो आदमी से बीवी को छोड़कर बाहर जवान जवान लड़कियों को भेलपूरी खिलाता पड़ता है। जवान लड़कियों को भेलपूरी? You think I'm lying? No, my child. हाँ बेटी गायत्री, भेलपूरी कॉलेज की जवान जवान लड़कियों को भेलपूरी खिलाता पड़ता है। मैंने उसको मना किया, मैंने कहा ना मुन्ना ना ना, तो पता क्या किया उसने, एक झापड़ मारा और कहा कि तू मर्दूत है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, जब मैंने उससे कहा कि देख देख बड़ा देशमुख, मैं तुझे बाजार का अमरूद नहीं खाने दूंगा। हाँ। मैं तुझे तेरी बीवी के विश्वास के शीशे को चकनाचूर होने नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ? तुम्हारे बाल जरा समझदाना कैसे हो गई यार? वैसे ही जैसे तुम्हारे बाल सफेद हो गए, तुम्हारी अचानक ही दाढ़ी निकल आई। अरे देशमुख जी आप ना, आपके पाप बदमाश माँ को उल्लू बनाता है। हाँ, ठहर जा, ठहर जा, ठीक करती हूँ। हाँ, और मारो, मुझे उल्लू बनाता है।
माँ मेरा पेट भर गया, मेरा पेट भर गया। बेटा अगर नहीं भी भरा हो तो मैं भी दो चार और। नहीं पिताश्री नहीं, क्या था कि मेरा फूलों से मार खाने का दिल करा था तो मैंने कहा कि माँ को थोड़ा सा परेशान कर दूं। जिस दिन मेरा फैक्चर कराने का दिल करेगा ना उस दिन मैं आपको पंचर करने की कोशिश करूंगा। तू मुझे पंचर करा। देखिए जी मैं तो सोचती हूँ इसकी शादी जल्दी से कर डालूं। सोचो मत, कर डालो। सुना है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सों को बरसों से चक्कर पे चक्कर दिए जा रहा है। हाय आकाश। मिस्टर वर्मा और मिस्टर शर्मा, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि सवेरे सवेरे मेरे सामने मत आया करिए, पूरे दिन की ऐसी तैसी हो जाती है। आकाश मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम डॉक्टरी जैसे इज्जतदार पेशे की धज्जियां क्यों उड़ाने पर तुले हुए हो? लेकिन सर मैंने किया क्या है? लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना तुम्हारी प्रैक्टिस बन गई है। जब भी किसी नर्स को या मरीज लड़कियों को तुम दवा लिखकर देते हो तो नीचे अपनी साइन करने के बजाय तुम अपना दिल बना देते हो। क्या एक डॉक्टर को ये शोभा देता है? नहीं सर, आप गुस्सा थूक दीजिए सर। डॉक्टर भी तो इंसान होता है ना सर। आप याद कीजिए आज से 25 बरस पहले जब आप अपने जवानी के हवाई जहाज में उड़ रहे थे तो क्या आपके जहाज ने किसी हसीना के दिल पर लैंडिंग नहीं की थी? भले क्रैश लैंडिंग हो। आपने कह दिया सर अपने मुंह से। हाँ लेकिन किसी एक लड़की के दिल पर, और वो क्रैश लैंडिंग नहीं थी, मैंने फौरन से शादी कर ली थी। तुम्हारी तरह होलसेल में इश्क नहीं करता फिरता था मैं, समझे? इश्क मैं भी नहीं कर रहा हूँ सर, मैं सिर्फ तलाश कर रहा हूँ एक ऐसी लड़की की जो जिंदगी भर मेरे दिल का इलाज करती रहे। हाँ और उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ दूंगा सर, आपका आशीर्वाद लेकर शादी कर लूंगा सर। सर आप नर्वस है ना? वो तो ठीक है लेकिन तुम सर मरीज मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं जाऊं क्या? लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हमेशा कहते हैं सर कि डॉक्टर्स को डेडिकेशन से काम करना चाहिए, डॉक्टर्स को पंक्चुअल होना चाहिए, कहते ना सर? ऑफ कोर्स कहता हूँ। आपका फोन सर। थैंक यू। लेकिन घंटी तो नहीं बज जाएगी? मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ, बच जाएगी। मैंने इस आशिक को बुलाया था डांटने के लिए, उल्टा इसने मुझसे उगलवा लिया कि मैं भी कभी आशिक था। नॉटी बॉय। अरे बड़ी इतना तेल लगाया तेरे बालों में, तेरे सिर पे तेरे बाल क्यों नहीं आते रे? अरे गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग मिस्टर बिजलानी, आप फिर आ गए? बड़ी मैं तेरे चक्कड़ काट काट के थक गया, तू मेरे को मेरी ब्लड रिपोर्ट क्यों नहीं देता? उससे क्या हो जाएगा? उससे ये हो जाएगा कि मेरे को पता लग जाएगा कि ये मेरी औलाद है या मेरे पड़ोसी से शादड़ी की तकली औलाद है। देखिए मैं आप दोनों को समझा समझा के परेशान हो गया हूँ कि आप दोनों को शक की बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं होता। अरे तो मेरा हमारी ब्लड रिपोर्ट दोड़ा, आज मैं अपनी ब्लड रिपोर्ट लेके जाऊंगा यहाँ से। मैं आज आपका फुल एंड फाइनल कर देता हूँ। कर दो फुल एंड फाइनल, कर दो कर दो कर दो। देखिए मैंने आपका ब्लड टेस्ट किया और आपकी ब्लड रिपोर्ट ये कहती है। क्या कहती है जी? कि आप बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है। मत कर, इस हाँ मेरे पड़ोसी शेषाद्री की औलाद है। आहा, आहा, आहा। उसका बल्ब फ्यूज हो चुका है। हाँ। क्योंकि कुछ देर पहले वो मुझसे यही पूछ के गया है। अच्छा अच्छा, मतलब तो हम दोनों की औलादे हमारी नहीं है, बताना होगा। भाई गॉड, इसकी माँ को बताना होगा, मीनाक्षी को बताना होगा कि उल्लू का बटक किसका है। चल हरामी 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 हरामी। बीवियों पे शक करने वालों को इस तरह बेवकूफ बनाना पड़ता है। अब जिंदगी भर ये अपनी बीवी से पूछता रहेगा, ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है। क्या बोला, क्या बोला तुम? देखो संगीता, आज हम डरेगा नहीं, आज हम पूछ के रहेगा। बोलो बोलो तेरे बेटे किशन का बाप कौन है? अयो मुद्दू स्वामी, देख शेषाद्री, अगर तूने फिर से मेरे को क्वेश्चन किया ना तो इस बेलन के साथ में तेरा सर फोड़ देगी। मेरा सर फोड़ेगी? अरे फोड़ दे मेरा सर, अगर आज मैं पूछ कर रहूंगा कि कौन तेरे को पापर खिला खिला कर मेरे मुंह पर झापड़ मारा है। देख मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरी फोटो जेब में लेकर घूमता रहता हूँ, ये देख। हाँ फोटो तो मेरा है। ये फोटो दे, मैं तेरे को प्यार किया ना? करता है कंजम कंजम। तू काय को किसी तीसरे पर लाइन मारकर वो बच्चा पैदा किया? क्या
अरे मर गया, अरे मर गया। क्या बोला? मैं किसी तीसरे पर लाइन मारकर वो बच्चा पैदा किया है, जरा फिर से तो बोलना। अरे मैं नहीं बोला, वो डॉक्टर बोला कि मेरा सर जो है वो किसी और का धन है, बड़ी मैं तो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता। फिर तो वो बिल्कुल सच बोला। वो सच बोला तो तू बोलते रहे किसने का बाप कौन है। मेरे बेटे का बाप तुम हो, तुम राम शेषाद्री, बीए, एमए, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, ईएफजी, एचआईजेके, एलएमए, ओनोपीक्यूआरएसटी, यूवीडब्ल्यूएक्सवाईजेड। हाँ हाँ, तुम श्याम बिजलानी कन्हैया का बाप है। और वो डॉक्टर मेरी डिग्री के पीछे एक और डिग्री लगा के श्याम बिजलानी एमए एलएलबी छे, और तुम कहता कि कन्हैया मेरा बाप, मेरा मतलब मैं कन्हैया का बाप हूँ। अयो छुपछु, तुम एग्जाम दे के लाकर डिग्री लिया या पैसा खिला के, किसी बार तुम नहीं समझते। तुम बोलेगा उल्टा, तुम बोलेगा उल्टा तो मैं सीधा कैसे समझेगा। अरे मैं नहीं, वो डॉक्टर बोला कि मैं और वो कंबक्शे शादी ऐसी प्रिंटिंग प्रेस है जो चलता तो है मगर छपता नहीं है, तो फिर ये कन्हैया का छपा। अरे ओ अक्कल की दाल में पड़ेली मक्खी, बच्चा तुम कैसा पैदा कर सकता है? बच्चा पैदा करना तो औरतों का काम है, समझा कुछ? समझ गया मैं एकदम, बिल्कुल समझ गया। क्या समझा तुम? तुम बात को घुमा फेरा के मेरे को चूना लगाया। अरे तुमसे पूछा कि तुम्हारे किशन का बाप कौन है। हाँ हाँ हाँ, श्याम बिजलानी तुम्हें कन्हैया का बाप है, तुम्हें कन्हैया का बाप है। नहीं नहीं, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम ऐसे नहीं मानेगा। This water is too much. मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ जा जा, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अरे धमकी गाय को कहती है तू, जा। हाँ जा रही हूँ पापा, जा रही हूँ। I am going. पॉइंट वाले इना कर दी, God don't come back. Thank you very much. You are welcome. You are a stupid woman. You are an even bigger stupid. I am going. I am going now. I want to stay. Come on, जा। और मीनाक्षी, शेषाद्री, मीनाक्षी, मीनाक्षी, शेषाद्री, I love you. अरे देख वो आई समान। अरे बाप रे, ये कहां से आ गई? अरे आई रे, आई जी पत्री। अरे बता ले, अभी से बता ले। क्यों बे चुकंदर, क्यों बे दड़ियल, मेरी आजादी की खुशी में मुझसे गले नहीं मिलोगे? गले तो तुझसे नहीं मिलेंगे अब। हाँ नहीं, मिचली पैकेट। ठीक है मत मिलो, दरवाजा तो खोल दो। हाँ खोल दे। अरे नहीं भाई नहीं, हमें तो अपनी पैकेट बड़ी प्यारी लगती है, तुम ही जाओ खुद दरवाजा खोल लो। ठीक है। लगता है बेहोश हो गई। धत कड़के साले। अरे कचरा, कैसा है तू? बिल्कुल अच्छा नहीं। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं दिया नहीं खाऊंगा। और मैं तंदूरी टांग वाली खाऊंगी। और माँ मैं तो चाइनीज खाऊंगा। अरे ओ झोपड़पट्टी में रहने वाले करोड़पति कंगालो, मेरे पास सिर्फ 5 रुपया है। खाना है तो इसी में खाना है, नहीं खाना तो इसी में खाना है। लो पकड़ो, जाओ भजिया पाव खा कर आओ। भजिया पाव? बिल्कुल नहीं माँ, अब नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। ठीक है ठीक है, तुम लोगों को 5 स्टार में खाना खाने का। अच्छा चलो।
चलो उठाओ इसे, देखो इडियट कहीं के। क्या रे तंदर तो मम्मी, ये थ्री स्टार होटल है, कोई थर्ड क्लास का होटल नहीं है। अरे ओ ग्रेड वाले, इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है। व्हाट यू कॉम्प्लेशन खट राज चुप परफेक्ट और बच्चे का बच कुछ भी कहीं लाफ ऑफ मॉरिंग। हां आती है कि नहीं, स्टार का बात करता है। स्टार का मतलब क्या होता है पता है तेरे को? क्या होता है? अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, आमिर खान, गोविंदा। हां अरे ओ ये क्या अंग्रेजी बोलेगी, झोपड़पट्टी का गंदा खून। तू मेरे को गंदा खून बोलती है? अरे कमीनी जबान खींचूंगी तेरी। अरे नोटों से बनी डबल रोटी, ये सूखी रोटी का हाथ पड़ेगा ना तो पानी भी नहीं मांगेगी। अरे छोड़िए, क्यों कीचड़ में हाथ डाल रही है? अबे ओ दूध के धुले, तू वही है ना जो अपनी नौकरानी के साथ गेस्ट हाउस में पकड़ा गया था। क्या हो रहा है यहाँ? मैनेजर इन चारों को बाहर निकालो। अरे कोई भी आगे बढ़ा तो ऐसा पंच मारूंगा क्या अभी? क्या लंच भूल जाएगा क्या? राग छप मार के आतड़ी बाहर निकालू क्या? चल फट साला, फकत में आ करता है, एक होल दूंगा सबके सब भाग जाएंगे। तू और मुझको होल देगा? दिखाओ तेरे को। क्यों मजा आना? देखते जाओ, मारो सालों को। क्या हो रहा है ये? मैनेजर क्या हो रहा है ये? देखिए साहब, ये हरामखोर उल्लू के पट्टे यहाँ होटल में गुंडागर्दी कर रहे हैं सर। नहीं साहब, हम लोग यहाँ खाना खाने आए थे और ये सब लोग हम लोगों को धक्के मार कर बाहर निकाल रहे थे। कहते हैं हम सब लोग इनके साथ खाना खाने के काबिल नहीं है। आप लोगों को, आप लोग एक कुत्ते को अपने साथ कार में बिठा सकते हैं, उसे अपनी गोद में बिठा कर उसका मुंह चूम सकते हैं, यहाँ तक कि उसे पैसा सुला सकते हैं, लेकिन एक गरीब को अपने साथ खाना खाते देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। शर्मानी चाहिए। याद रखिए, गरीबों की मेहनत ही वो जमीन है जिस पर अमीरों की इमारत खड़ी है। मैनेजर आप इस कानून को कैसे भूल गए कि कोई भी आदमी किसी भी होटल में आकर खाना खा सकता है? ध्यान रखिए, अगर दोबारा ये गलती हुई तो मैं आपके होटल का लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। सॉरी सर। और गंगा तुम मेरे साथ चलो। डैडी, वाह पिताजी, आपने तो कमाल कर दिया। और तुमने जो गेटवे ऑफ इंडिया पर धमाल किया वो भी कमाल था। धमाल? कैसा धमाल? जिन लोगों पे तुमने हाथ साफ किया वो सारे पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं। चलो ये बॉम्बे का पुलिस भी कितना तेज है, इधर चोरी करो उधर पकड़े जाओ। चलो नमस्ते साहब। क्यों रे टीनूपाल, कुत्ते का मुंह बंदर की खाल, तूने काय को साहब से मेरी चुगली की? एक तो चोरी करता है ऊपर से सीधा जोड़ी करता है, छोकरी हम तुम्हारे से डरता है क्या? तेरी तो हाथ नहीं लगाना गंगा, हाथ नहीं लगाना। देख उसकी माँ से कपड़े चुराती हो, ऊपर से दादागिरी। सुनो छोकरी, हम तुम्हारा टोपी उतारता है, तुम हमारा ड्रेस उतारो। टीनूपाल साहब जी, मेरा ड्रेस नहीं है, मेरे घर चला कर अपने कपड़े ले जाना। ओके जाओ मेरी साहब जी, एक तो मुंह दड़ाएगी नहीं क्या? देखेगा तुम्हारा चोरी का सारा सामान वापस कर। एक बार और क्या, आप लोग अपना अपना जो भी सामान ले लीजिए। ये मेरा है सर, ये मेरे दोस्त का। शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। ये किसका हो सकता है? कंग्रेचुलेशंस फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन सरीना। अब्दुल हसन होटल चाल। हवलदार जी साहब, तुम इस लड़की को बंद कर दो, मुझे होटल चाल पहुंचना फौरन। अच्छा साहब। कुत्ता बदल गया, जिंदगी बच गई। साहब आपका पर्स मिला क्या? अरे पर्स मिले ना मिले, हिंदुस्तान आकर वल्ला
हमको हमारा लाइफ मिल गया। ये लो बच्चों को मिठाई खिला देना। ड्राइवर चलो जल्दी एयरपोर्ट चलो। एक्सक्यूज मी। यस सर। मिस्टर अब्दुल हसन किस रूम में? वो तो चेकआउट कर गए सर। क्या कुछ मालूम है किधर गए? सॉरी सर, नो मैसेज। ओ शिट। मद्रास के एक गांव में भाई ने अपनी बहन की शादी के लिए अपना एक गुर्दा बेच दिया। क्या जमाना आ गया डैडी, लोग अपने गुर्दे बेचने लगे। गुर्दे सिर्फ बिकते ही नहीं बेटा, चोरी भी होते हैं। व्हाट? हम पर भी ये राज इंस्पेक्टर शांति के मर्डर के बाद ही खुला। कौन है वो नीच और गिरे हुए लोग जो ऐसे घिनौने काम करते हैं? जल्दी पता चल जाएगा, तलाश जारी है। सी यू बेटा। सी यू डैड। अगर वो हरामजादे मुझे मिल जाएं, तो बिना बेहोश के उनका अवश्य करा लूं। इस टाइम हमको 10 किडनीज, 4 हार्ट्स एंड 5 पेयर्स ऑफ आइस मांगता है। ओके okay? okay. उनका ब्लड और यूरिन कल्चर रिपोर्ट लाए हो? यस सर, इसमें सभी आइटम्स की डिटेल्स है। मिस्टर वॉटसन, विद इन 2 मंथ्स वी विल कंप्लीट योर कंसाइनमेंट। थैंक यू वेरी मच। वेट अ मिनट मिस्टर वॉटसन, वेट अ मिनट। जाते वक्त अपनी ये फाइल भी साथ लेकर जाओ। पता है मिस्टर रंजीत, ऑर्डर तो तुमने दे दिया, एडवांस कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा। आई एम सॉरी। व्हाट सॉरी? व्हाट सॉरी? सॉरी सॉरी बोलकर इंडिया पे 150 साल राज किया है तुम लोगों ने, फिर भी सॉरी का बीमारी नहीं गया? कसम मत करो मिस्टर रंजीत, ये लो पूरा 10 लाख रुपया। अब हम जाने को सकता है? बिल्कुल जाने को सकता है। थैंक यू। कम ऑन मूव मिस्टर रंजीत जी। हमने ये कंसाइनमेंट ले तो लिया, लेकिन पूरा करने में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? पुलिस कमिश्नर ने सर्कुलर भिजवाया है कि किसी की भी किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। अकल से पैदल है कमिश्नर, उसे क्या पता कि आज से हम हमारे सारे ऑपरेशन हमारे अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर में करने वाले है। बेचारा कमिश्नर मखिया भगाता रहेगा और हम आराम से गुड़ चखते रहेंगे। तुम्हारी मम्मी के साथ मेरा हाथ नहीं है। अरे जो मिल कर रहे हो, क्या हो रहा है? नानी जी हमारी माँ को छोड़ दो ना। नहीं छोड़ेंगे, उसे 100 दफा समझाया, उसे पॉकेट मारना नहीं छोड़ा। छोड़ दो ना नाना जी। नहीं छोड़ेंगे, तुम लोग जाओ। नाना जी। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? जब तक अब हमारी माँ को नहीं छोड़ेंगे, हम आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। अयो नानी नहीं बन करेंगे है ना। ओ, क्या मुसीबत है। हवलदार सर, चुप हो जाओ। चुप। सर साहब ने बुलाया। चल अबे छोड़। सलाम साहब। गंगा, मैं तुम्हें अपनी जमानत पे छोड़ रहा हूँ, वादा करो कि दोबारा पॉकेट नहीं मारोगी। वादा साहब, अब बिल्कुल पॉकेट नहीं मारूंगी। पक्का? पक्का। और तुम लोग भी? हम लोग कभी कुछ नहीं करते। हाँ। क्यों है ना? हाँ, हम लोग कुछ करते ही नहीं है। शाना, जाओ लेकर जाओ इन्हें। चलो फिर निकल लो चुपचाप। थैंक यू डैडी। साबी हमेशा वादा करती है कि आप पॉकेट नहीं मारेगी, फिर भी पॉकेट मारती है, और आप इसके वादे पे भरोसा करके इसे छोड़ देते हैं। तो क्या करूं? अगर मैं इसे नहीं छोड़ता तो ये अनाथ बच्चे जिन्हें मालूम नहीं कहां से उठाकर लाई है, भूखो मर जाते हैं। मनी रोपा वो भूमि। और पैसा तुमसे बढ़कर थोड़ी है। चिकन खाओ, मटन खाओ, बिरयानी खाओ, सभी खाओ, सब खत्म हो जाए ना, तो नमक मिर्च छिड़क कर मुझे खा। मेरा यकीन कीजिए हुजूर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तो मेरा पर्स यहीं कहीं गिर गया है, या किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया है? चुप। झूठ बोलते हो? नहीं। चीट करते हो? नहीं नहीं नहीं। हम तुमको ऐसे सजा देगा कि तुम भी याद करेगा। अरे नहीं। बेटा पकड़ो। अरे अरे तो क्यों कर रहे हैं? ब्रांड न्यू शर्ट। हाँ ब्रांड न्यू। उसकी बॉडी अब नो तुम खाना खा। बेटा इसे धक्का मार के बाहर फेंक दो। अरे ले। अरे फेंके मत। अरे बाहर मत फेंक। सुनिए तो। अरे सुनिए। बिल प्लीज। ओहो बेचारा,
इतने सिखाने की इतनी बड़ी सजा। अगर मैं इसकी जगह होता ना तो इसको इतना मारता कि इसकी सात पुश्ते गंज पैदा होती। नहीं, इतना तो कोई बड़ा जुर्म नहीं किया उसने। जुर्म नहीं किया था उसने, रेस्टोरेंट में घुस आते हैं, लेकिन जेब में पैसे हैं या नहीं है इसको कोई फिक्र नहीं है। राइट आकाश, आपके देखो पैसे है कि नहीं है आपके पास। करेक्ट सर, प्लीज। कितना है? छोटा 555। छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। डैडी, क्या बात है साहब, बड़ी देर से सोच रहे हैं, बिल पे क्यों नहीं करते? बिल, यस बिल। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है साहब। हेल्थ नहीं, वेल्थ, बिल चाहिए बिल। बिल, यस। कीप द चेंज आउट। थैंक यू। बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिली थी, बातें लाखों की करते हो, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं। मेरी बात तो सुनो। ये काम जरूर चोटी का है, उसी ने मेरी जेब मारी होगी, उससे तो मैं देख लूं। पकड़ो रे मेरा पर्स लेके भाग यार। अरे पकड़ो मेरा पर्स लेके भागी। अरे पकड़ो मेरा पर्स लेकर भाड़ी लड़की को पकड़ा रे। पकड़ मार के भागी रे। अयो भागी रे। अरे मेरा पर्स लेकर भागी। अयो भागी लड़की, भागी रे पर्स लेकर भागी रे। अरे छोकरी को पकड़ो रे, बहुत तेज भाग रे। अरे पकड़ो मेरा पकड़ मार के भागी, भागी रे पकड़ो रे। अरे मेरा पर्स लेकर है। अरे मिल गया रे, मेरा पर्स मिल गया रे। आइयो मेरा पैसा लेकर भागी, पकड़ो पर्स लेकर भागी। पैसा दे के मेरा मतलब पैसा लेके भागी। अरे मेरा पर्स ले गई, अरे वो लड़की मेरा पर्स ले गई रे। किधर चली गई मेरा पर्स ले गई। अरे मेरा पर्स ले गई रे लड़की, मेरा पर्स ले गई लड़की। मेरा पर्स मिल गया, मेरा तो पर्स मिल गया। वो भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, पर्स में पैसा नहीं लड़की, मेरा पैसा। मर गए। अरे बाप रे बाप, ये दोनों तो यही पहरा दे रहे हैं। अब मैं घर कैसे जाऊं? आइडिया, अरे रामू जी साहब, टाइम क्या हुआ है? 10 बज गए। बज गए? अरे माँ नाश्ता लगाओ, 10 बज गए। हाँ बेटे लाती हूँ। पाकरमा छोकरी का गिरा रे। अरे वो आ गई। हाय हाय, तुम दोनों वकीलों ने मिलके मेरे केस का सत्यानाश किया ना रे। मैं देखती दोनों को किधर जाता रे, पकड़ रे। बच गए। मामा नाश्ता लगाओ फटाफट, आज भी फिर देर हो गई। प्लीज। माँ क्या कर रही थी तुम? आप? मेरी जेब पे हाथ साफ करके तेरे को चैन नहीं मिला क्या? अब मेरे घर पे हाथ साफ करने आई है? नहीं नहीं साहब, माँ कसम मैंने यहाँ से कुछ नहीं चुराया। कुछ नहीं चुराया? नहीं कुछ ही नहीं। नहीं पक्का? हाँ।
दूध की पिटारी, मेरी माँ की साड़ी पहने खड़ी है और मुझसे बोलती कुछ नहीं चुरा। ओ साड़ी, माँ की साड़ी। देखो साहब, मान वाली कर लेना यार, अपन दूसरे का पॉकेट मार के तुम्हारा सारा कर्ज वापस कर देगा। वो कर्ज तो मैं अभी और इसी वक्त वसूल करूँगा। वसूल करेगा? क्या वसूल करेगा? अभी बताता हूँ। तो जब जुर्म करने का शौक है तो सजा झेलने की भी हिम्मत रखो। अब मैं तुम्हारे साथ रेप करूंगा। आकाश बेटे क्या कर रहे हो? रेप कर रहा हूँ। नहीं, कल बोल के आता हूँ। चल 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 निकल। अरे चल तू उठ। अब मैं क्यों भागू? अब मैं नहीं भागूंगी। और मैं तुम्हारे पिताजी को बुलाकर कहूंगी कि तुम मुझे जबरदस्ती उठाकर लाए हो और मेरी इज्जत लूटना चाहते हो। पिताजी! पिताजी क्या? चुप हो सकती हूँ मगर रिश्वत देना पड़ेगा। कैसी रिश्वत? तेरी जेब में कितना माल है? निकाल जल्दी। तेरा गुरु जरूर को क्रिकेट रहा होगा, तभी तू सेकंड सेकंड में रंग बदलती है। ताली। देख, मैं चिल्ला दूंगी। चिल्ला? मैं जोर से चिल्ला दूंगी। तो एक काम करते हैं, दोनों मिलकर चिल्लाते हैं, बड़ा मजा आएगा। पीछे देख। क्यों? देख ना। पुलिस की वर्दी। झटका लगाना बहुत जोर से। ये वर्दी मेरे बाप की है। अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी। तू जाने को बोला ना, मैं जाती हूँ। और अब तुम हमें रिश्वत दोगी। क्या रिश्वत देनी होगी? जो मुझे लेना होगा वो मैं ले लूंगा। पहले तुम इधर आओ, इधर आओ। आंखें बंद, एकदम बंद। मुसीबत से तो पीछा छूटा। अगर घर का मुसीबत और संगीता मेरे को देखते ही गाना गाई, नोट लावो नोट लावो, वो पाकेट मार आपको मुसीबत में डाल दिया रे। मुसीबत से बचने का आज एक ही रास्ता है, बाबा बिजलानी आज अपने घर में चोरी करके अपने पर्स में पैसे घुसाड़ दे। उधर किधर जाता तुम? संगीता, लेकिन पहले वो नोट निकालो जो तुमने कोर्ट में झूठ झूठ बोल के कमाया है। ये में पैसा? पैसा? हाँ? पैसा किधर है? अरे हाँ बाबा, हाँ पैसा। अरे बाबा, आज मेरे को एक पाई की भी कमाई नहीं हुई, खिसा बिल्कुल साफ सुथरा है। झूठ! फकीर और वकील कभी खाली हाथ घर वापस नहीं आते। निकालो। मैं आज रियल में बेकारी, ये चार आना बचा मेरे पास। मेरे को चार आना दे के पटाता है? बताओ तुम्हारे जेब में कितना पैसा? जेब में हाथ नहीं लगा। क्यों? जेब फट रहा है। क्या? जेब में हाथ मत डालो, मत करो कुछ नहीं। रुमाल है, रुमाल है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, गुदगुरी बात करो। आपको बोला रुक जाओ, रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये लो पर्स लो पर्स लो। अयो, पहले जेब कतरी ने मेरा पर्स उड़ाया, फिर पर्स में से सारा नोट उड़ाया और फिर काली पर्स को मेरे चेहरे पे उड़ाया। अयो मुत्तु स्वामी, जेब कतरी ने पर्स उड़ाया? उड़ाया। अयो, अपनी अम्मा को तो पर्स नहीं दिया? अम्मा को पर्स नहीं दिया? अम्मा को पैसा भी नहीं दिया? अम्मा को पैसा नहीं दिया? तो फिर इसको दिया? मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी। अरे शाबाश, तुम अंदर और मैं पर्स के बाहर, ये कैसे हो गया संगीता जी? संगीता जी,
उस डाइन को जी करके बुलाता है। पापा मैं तुमको भी मीनाक्षी जी क्या कर बुलाता हूँ। मीनाक्षी जी बाढ़ पे गए। मीनाक्षी जी ये धक्का, ये धक्का। संगीता प्लीज डोंट क्राई। संगीता जी तुम समझती नहीं, मेरे को लगता पर्स चेंज हो गया। रे पर्स नहीं चेंज हो गया, तुम चेंज हो गए। नो 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 नानू ने नानू प्लीज नानू नानू। मैं उस डाइन के पास जाकर ये पर्स उसके मुंह पर फेंकने वाली हूँ। ले जाओ ये पर्स और उस डाइन के सर पर मार कराओ। चलो जाओ। बड़ी संगीता पिछलानी। संगीता पिछलानी। संगीता पिछलानी। संगीता पिछलानी। मम्मी मम्मी आप क्या कर रहे हैं? पापा पापा आप क्या कर रहे हैं? श्री दे तू ये पर्स वापस। स्वामी तू 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 करवाई दे। क्या कर रहा हूँ? तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? चल अंदर। मम्मी मम्मी क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं मम्मी। मम्मी वो अपना साला टीनू वाले ना, उसका बेटा बहुत सीरियस है। क्या? हाँ वो अस्पताल में और उसको खून की जरूरत है। खून की जरूरत है? फुटपाथ तो ये साड़ी लेकर आकाश बाबू के घर पे देकर आ। अच्छा? मैं अस्पताल जाती हूँ। आई डोंट केयर आप ब्लड कैसे अरेंज करते हैं, बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द पेशेंट इज वेरी सीरियस। मिस्टर शेख आपको सब तो हम तुमसे बाद में फोन करूंगा। सब शंकर को खून मैं देने आई हूँ। वेरी गुड। नर्स इनका ग्रुप चेक करो। चेक करने में काय को टाइम वेस्ट करते? मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारा ब्लड बी पॉजिटिव है? मैंने कई बार अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपना खून बेचा है। सोच क्या रहे हैं साहब? देर मत कीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ चलो आप। चिंता मत कर टीनू पॉल, सब ठीक हो जाएगा। मेरे को माफ कर दे गंगा, मैंने तेरे साथ दुश्मनी ली और तूने मेरे बच्चे को जिंदगी दे दी। ये पैसे रख ले। ये क्या है? तेरे बच्चों के लिए है। हम गरीब आपस में खून का व्यापार नहीं करते। इस वक्त इन पैसों की जरूरत मेरे बच्चों से ज्यादा तेरे बेटे को है। इन पैसों से उसकी दवाई ले आ। गंगा शायद दुनिया भर की डिग्री लेने के बाद भी मैं उतना बड़ा डॉक्टर नहीं बन सकूंगा जितनी बड़ी डॉक्टर तुम मुझे आज नजर आ रही हो। क्यों एक पॉकेट मार लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं आप? मजाक तो आज तक मैं अपना उड़ाता आया जो महलों में अपनी मोहब्बत तलाश करता रहा। मुझे क्या मालूम था कि मेरी मोहब्बत उस घर में बैठी मेरा इंतजार कर रही है जिस घर की न छत है न खिड़कियां न दरवाजे। आकाश बाबू एक बार आपने मेरी आंखें बंद करके अपने होठों से मेरे अरमानों को चूम लिया था और मैं खुद को भूलकर आपके ख्यालों में गुम हो गई थी। लेकिन बहुत जल्द याद आ गया कि मैं हवा का वो झोंका हूं जिसकी कोई मंजिल नहीं। मैं चलती हूं। गंगा जाने से पहले मेरी नाकों में झांक कर देखो, तुम्हें इनमें प्यार की भाषा नजर आएगी जो आशाओं को तूफान लिए तुम्हारे इंतजार में कब से भटक रही है। कुछ पढ़ा? हाँ। क्या? मनीषा तुम भी जाओ, टीना तुम भी जाओ, मीना तुम भी जाओ, सब जाओ सब जाओ। मुझे मेरे सपनों की रानी मिल गई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ गए ये रहे। हाँ
हेलो आकाश, मैं गंगा बोल रही हूँ। हाँ गंगा बोलो। क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैं तुम्हारे होंठों को चूम रहा था। पागल हो गए हो क्या? अरे पागलपनी तो मोहब्बत करने वालों की दौलत होती है मेम साहब, अकलमंदों के पास ये खजाना कहाँ। तो फिर आ जाओ, आज फुटपाथ का जन्मदिन है। वैसे मिलने का बहुत खूबसूरत बहाना है, बिल्कुल आपकी तरह हाजिर हो जाऊंगा। अरे माटी मिले, आपकी जगह अंडे लगे क्या, दिखता नहीं क्या तेरे को साले। अरे तेरे को देख के तो कोई भी आंख वाला अंधा हो जाए। काय को फोगड़ में अपनी ऐसी जवानी इस तरह पानी में बहा रही है। अरे ओ भूतनी के, मेरा पीछा छोड़ दे, नहीं तो मैं ऐसा पंच मारूंगी कि तेरा थोपड़ा सड़ेले टमाटर की तरह फट जाएगा। अबे तेरी इस बात का जवाब ये लालिया लटका के देगा, चला जा। बहुत हाथ चला दिया साले। पकड़ो साली को, लेटा दो। बचा बचा, कोई नहीं बचाएगा। मारो। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कौन सा जॉइंट कहाँ से खुलता है नमूने के तौर पर। तेरे को पहले बोला था ना कि मैं अमेरिका रेजिडेंट डॉक्टर हूं और तेरे सारे के सारे जोड़ तोड़ दूंगा, कहा था ना, लेकिन तू नहीं मान, तू नहीं मान। और अब बाकी कसर तेरे बाप पुलिस वाले पूरी करे। ये ले। इसका मैंने काफी इलाज कर दिया है और अगर कोई कसर बाकी रह गई हो तो आप पूरी कर दीजिए। क्या किया इसने? इस कमीने ने इस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की। डैडी, डैडी, क्या नाम क्या तेरा?
बोलता क्यों नहीं बे? क्या नाम है तेरा? इसका नाम लाली है साहब। हाँ साहब, ये मदनपुरे में बहुत गुंडागर्दी करता है। लालिया। लिख कमीने लिख, लिख के तूने प्रेम प्रकाश का ऑपरेशन कौन से हॉस्पिटल में करवाया था और उसे कहां छुपा कर रखा है, और ये भी लिख कि इंस्पेक्टर शांति और आमपियारी का खून तूने किया है। लिख, लिखने का तो ये भी लिख दो इंस्पेक्टर कि इस सारे शहर में जितने भी खून हुए हैं सब मैंने किए हैं, मगर कल अदालत में मैं मुकर जाऊंगा और वहां तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तूने अभी पुलिस के हथकंडे देखे नहीं लालिया? 14 दिन हम तुम्हें गंगा के रेप केस में रिमांड पर रखेंगे, मगर इंक्वायरी करते रहेंगे इसी केस के, और ये 14 दिन तुझ पर ऐसी कयामत बनकर गुजरेंगे कि तू मजबूर होकर उसका नाम उगल देगा जिसके इशारों पर तू काम करता है। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं इस केस की फरियादी मिस गंगा को अदालत में गवाह के रूप में पेश करने की परमिशन मांगती है। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। गंगा हाजिर हो। अरे बापे, दोनों यहाँ है, मर गए। अभी कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे बड़ी, ये तो वही गंगा है जिसने उस दिन मेरा पाकड़ मार के मेरे को भिख मंगा कर दिया था। नमस्ते। नमस्ते। ये तो वही लड़की है जो मेरा पाकड़ मार के मेरी बीवी को भड़का दिया था। अरे चल मेरा पैसा निकाल, तेरी वजह से मेरी बीवी मेरे को बिना नमक का दाल खिलाती है और पापड़ भी नहीं देती है। मेरे कारण से मेरी वाइफ मुझसे बिना साबुन के कपड़े धुलाती है। चल निकाल मेरा पैसा। हे राम, इस जमुना ने फिर मेरे को लफड़े में डाल दिया। जमुना? कौन जमुना है? एक लड़की जिससे मेरी शक्ल एक द्रम मिलती है, पॉकेट वो मारती है, पकड़ी मैं जाती हूँ। अरे एक ही शक्ल की दो लड़की कैसे हो सकती है? हो सकता है। अरे नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ, हम तुमको बोला नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ, हम तुमको बोला नहीं हो सकता। इस तरह का बात जो है बोला, कैसे हो सकती है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझाती हूँ। जब आप दोनों राम और श्याम एक ही शक्ल के हो सकते हैं, तो क्या गंगा और जमुना एक ही शक्ल के नहीं हो सकते? अरे बाबा, नहीं हो सकता ना रे। लगता है तुम दोनों ने राम और श्याम, सीता और गीता नहीं देखा? अरे देखा, दोनों पिक्चर देखा, दो बार देखा। ना? उसमें डबल रोल का चक्कर था ना? था, वो एक में अपना राम और श्याम में दिलीप कुमारी था, और वो अपना वो क्या है उसमें सीता गीता में कौन था? वो हेमा मालिनी था। तो फिर समझ लो, यही चक्कर अपन के साथ भी है और आपके साथ भी है। चक्कर तो है, मेरा कोई चक्कर भी नहीं से। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर राम शेषाद्रिया और श्याम ब्रिजलानी, अदालत का कीमती वक्त जाया मत करिए और केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। सॉरी, वेरी सॉरी सर। आप तो मिस गंगा 21 की रात को क्या यही आदमी था जो तुमको रेप करने का कोशिश किया? हाँ साहब, यही था। पहले मेरे को धंधा करने के लिए बोला और जब मैं नहीं मानी तो मेरी इज्जत पे हाथ डाला। वो तो डॉक्टर आकाश ने मुझे बचा लिया। थैंक यू मिस गंगा, तुम जा सकता है। अच्छा सर,
योर ऑनर, अब मेरे को मिस्टर आकाश को गवाह के रूप में कोर्ट में आने का परमिशन मांगती। इजाजत है। 21 जून की रात को इलालिया ग्रैंड रोड पे बारिश में भीगती हुई इस बेसहारा लड़की की इज्जत लूटना चाह रहा था, और अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो इसने उसकी इज्जत लूट ली होती। आई ऑब्जेक्टेड योर ऑनर, इस केस में डॉक्टर आकाश की गवाही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर देशमुख है, जो कि आकाश के पिता है। ठीक है, तुम जाओ, मैं इनको देखता, तुम जाओ। योर ऑनर, मेरे को अपने डुप्लीकेट दुश्मन से एक एक क्वेश्चन करने का परमिशन चाहिए। इजाजत है। थैंक यू सर। मिस्टर बिजलानी, सपोज एक दिन आपका पड़ोसी आपके घर में घुस के आपकी पत्नी का रेप करता, तो आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी क्या? यू शट अप, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अयो, हम तो सिर्फ सपोज करने को बोला ना बिजलानी। मैं ये सपोज भी नहीं कर सकता बस। मिस्टर बिजलानी, आखिर फर्ज करने में क्या बुराई है? बुराई इसलिए है जज साहब कि यही मेरा पड़ोसी है। चलो सपोज मत करो, मगर एक, एक एक बात बताओ कि कानून की ऐसी कौन सी बुक में लिखा है कि जिस केस का इंचार्ज बाप हो उसमें बेटा गवाही नहीं दे सकता? लिखा तो नहीं है। नहीं लिखा ना? नहीं लिखा, नहीं लिखा तो अपने घर के कानून देख लिया। योर ऑनर, ये साबित हो गया कि इस केस में मिस्टर आकाश की गवाही कितनी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं अदालत से अपील करता हूं कि लालिया को 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भर्ती कर दिया जाए, ताकि पता लगाया जा सके कि इसने कितनी मासूम और कितनी मजबूर लड़कियों को धंधे पे लगाया है। नहीं जज साहब, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर देशमुख मुझे गंगा रेप केस के रिमांड में लेकर जबरदस्ती खुलवाएगा कि इंस्पेक्टर शांति और रामकली का खून मैंने किया है, और यह भी पूछेगा कि गुर्दाश्वरी रैकेट का बॉस कौन है। योर ऑनर, ये फाइल है जिसमें 100 लड़कियों के मां बाप ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उनकी लड़कियों को गायब होने में लालिया का हाथ है। योर ऑनर, अगर जनता राज में जनता के बजाय एक एक गुंडे की आवाज पर फैसला सुनाया जाएगा तो ये योर ऑनर, ये कानून और जस्टिस का खून है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जनता की रिक्वेस्ट को ध्यान में रख के योर ऑनर ठीक फैसला सुनाया किया जाए। गवाहों को सुनने के बाद और जनता की अपील को मद्देनजर रखते हुए अदालत लालिया को 14 दिन के लिए पुलिस की रिमांड में देती है। नहीं जज साहब, ऐसा फैसला मत दीजिए। ये लोग मुझे मार डालेंगे जज साहब, ये लोग मुझे मार डालेंगे जज साहब। जज साहब, आप अपना फैसला बदल दीजिए। जज साहब, फैसला बदल दीजिए। ये लोग चल्ला दे, ये मार डालेंगे मुझे। देगा बिजलानी, आज मैं तेरे को हराया, अब आज मैं बहुत दिनों बाद अपनी चुटिया खोलेगा। कोला चुटिया मैंने कोला। अरे बड़ी ठीक है, होशियारी काय को मारता है। अगर अगले केस में मैंने तेरी चोटी जड़ से उखाड़ कर मारना फेंक दी तो मेरा नाम भी बिजला। अरे जा जा, आज हम नाचेगा, तेरे को चिढ़ाएगा, तू घर जा, देख मैं तेरा क्या क्या हाल करता हूँ। अरे वंदे अवरी अल्ले वंदे अवरी।
इंस्पेक्टर जाकर घुसता है खटिया में। लेकिन लालिया को छुड़ाना बहुत जरूरी। इंस्पेक्टर देशमुख बहुत ही चालाक है, कहीं उसने लालिया से हमारे बारे में उगलवा लिया तो। हाँ, वो अपने आप को बहुत बड़ा उस्ताद समझता है, लेकिन मैं उसका बाप हूँ बाप। उसने लालिया को गंगा रेप केस में इसलिए रिमांड पर लिया है ताकि शांति मर्डर केस की इंक्वायरी करके हम तक पहुंच सके। मगर उसकी इस दोहरी चाल का जवाब मैं भी दोगलेपन से दूंगा। मैंने लालिया को जज बनकर अंदर किया है, अब गुंडा बनकर बाहर निकालूंगा। लटका दूंगा। चलो। इंस्पेक्टर देशमुख। सर, मैं केशव बोल रहा हूँ। हाँ केशव बोलो। सर, लालिया के आदमियों ने अटैक करके लालिया को छुड़ा लिया है। What? वो लोग भाग गए सर। किस तरफ गए? बोलो सर। वो डिलाइट रोड की तरफ गए। ठीक है, तो फौरन कंट्रोल रूम को फोन करके साले शाह की नाकाबंदी करवा दो, मैं दिखता हूँ। ये लो फुटपाथ। मेरी पहली कमाई पाकर माँ कितना खुश होगी। हाँ मैं तुझको इसी फुटपाथ में मिला था ना। हाँ माँ, एक बार मेरी किस्मत क्या तुझको मिला था, आज वही भी चल रहा हूँ। लेकिन माँ, अगले जन्म में तेरी गोद में जन्म लूंगा, लूंगा ना माँ। हाँ बेटा, अगले जन्म में मैं तेरी माँ बनूंगी, अपने कोख से जन्म दूंगी तुझे। ये ले माँ, मेरी पहली और आखिरी कमाई। डालियों कचरा फूके ना, उनको खाना खिला देना माँ। साहब वहां पर डैडी, डैडी ये देखिए फुटपाथ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उसकी एक किडनी पहले से गायब थी। ये देखिए, फुटपाथ की मौत और गंगा के आंसू बेकार नहीं जाएंगे। फुटपाथ की मौत से इंक्वायरी का वो दरवाजा वापस खुल गया है जो लालिया के भाग जाने से बंद हो गया था। आकाश, हमें फौरन गंगा से मिलकर उस अस्पताल का पता करना चाहिए। ऑपरेशन हुआ, आओ मेरे साथ। चलिए लीजिए। ये ऑपरेशन तो डॉक्टर वर्मा शर्मा ने किया था। देखिए सिग्नेचर है उनके यहां पर, वर्मा शर्मा। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर वर्मा शर्मा। किस जुर्म में? गुर्दा चोरी करने के जुर्म में। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? सबूत इसका बर्ड रखी फाइलों में मिलेगा तुम्हें। ए मिस्टर इंस्पेक्टर, वारंट है तुम्हारे पास। वारंट? ये रहा वारंट। हवलदार,
इन दोनों को हथकड़ी पहना दो और ये सारे सबूत जब्त कर लो। भाग लटक गया साला। चल चल अटल के दूरबीन का फोकस जरा ठीक कर, फिर तुझे पता चलेगा कि तू जिसे ढूंढता था गली गली वो तुझे तेरी मौत बनकर मिली, यानी के गुर्दा चोरी के गिरोह का सरदार रंजीत। यकीन नहीं आता इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाला एक जज और इतना खिलौना खेल खेल रहा है। और बरसों तक खेलता रहूंगा लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जिस दिन बिगड़ना शुरू होगा रंजीत तुझे संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। मेरा बिगाड़ने वाले सिर्फ दो हैं, एक तू जो अभी मरेगा और दूसरा तेरा बेटा जो मेरे लिए लाल बत्ती बन चुका है उसे कानून मारेगा। नहीं और यही नहीं, मैं अपने सारे जुर्म उसके सर पर थोप कर उसे फांसी की सजा दूंगा और इसी के साथ गुर्दा चोरी की यह फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हरामजादे नाना जी, पकड़ लो साले को। चलो हेलो, अगर गुर्दा चोरी करने वाले रैकेट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे अहिंसा मार्ग पर फौरन आकर मिलो। मगर आप कौन बोल रहे? तुम्हारा दोस्त। हेलो, किसी ने फोन करके बुलाया था लेकिन आप यहां कैसे? डैडी, डैडी, किशन देख किसी ने डैडी को मार डाला। किसी ने मेरे डैडी को मार डाला, मेरे डैडी को मार डाला, मेरे डैडी को मार डाला किसी ने, केशव मेरे डैडी को किसी ने। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? केशव, केशव ये गिरफ्तार कर लो इसे। लेकिन क्यों केशव? कहीं तुम ले जाओ इसे। मैं ये खून मैंने नहीं किया, मैं कसम खा के कहता हूं मैंने खून नहीं किया है। ये खून मैंने नहीं किया है केशव, ये खून मैंने नहीं किया है। मैं अपने बाप का खून कैसे कर सकता हूं केशव? केशव ये खून मैंने नहीं किया है, मैं खून नहीं हूं केशव। बोल बोल, कबूल कर कि तूने अपने बाप का खून किया है। मैं हजार दफा कह चुका हूं केशव
ये खून मैंने नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। ये तो मैं भी जानता हूं कि ये गुनाह तूने नहीं किया, लेकिन ये गुनाह तुझसे कबूल करवा के ही दम लूंगा, ताकि गुर्दा चोरी की फाइल का केस हमेशा के लिए बंद हो जाए और मैं ये तुझसे उगलवा के ही रहूंगा। बोल केशव, तुमने अपनी माँ से पूछा था तू किसकी औलाद है, अपने बाप की या तेरे माँ के? यार के हरामजादे, गाली देता है। बोल, मारते मारते तेरे हाथ टूट जाएंगे केशव, लेकिन तू आकाश को नहीं तोड़ पाएगा। जितना दम है तेरे में मार, मार मुझे को, मार। टूटेगा तू, जरूर टूटेगा। अगर तूने कल अदालत में अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो हम तेरी मौत को मार डालेंगे। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा काट दूंगा। हरामजादे, अगर तूने मेरी मां का नाम भी लिया तो मैं तुझे जिंदा काट दूंगा। की तरफ आग उठाकर भी देखा ना तो तुझे मैं जान से मार दूंगा केशव, यू बास्टर्ड साला। पुलिस के बदले भड़वा बन जा, भड़वा। वाकई तू अपनी माँ से मोहब्बत की नहीं, और कल तुझे कोर्ट में यही साबित करना है। अदालत केस की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दीजिए। योर ऑनर, मिस्टर आकाश पे इल्जाम है कि इसका पिताजी इंस्पेक्टर देशमुख, मिस्टर शर्मा, डॉक्टर वर्मा और चार हवलदारों का खून किया, मगर मेरे को नहीं लगता कि ये आदमी ऐसा कर सकता है। आकाश, तूने ऐसा काय को किया रे? अरे बोलता क्यों नहीं, तूने ऐसा काय को किया? वकील साहब, अदालत का वक्त जाया मत कीजिए। मिस्टर राम शेषाद्री, प्रोसीड फर्दर। योर ऑनर, मैं अपने पहले गवाह के रूप में मिस्टर अजीत को अदालत में पेश करने की परमिशन मांगती है। इजाजत है। थैंक यू। मिस्टर अजीत, आप अदालत को अपने केस के बारे में बताना, बताओ। योर ऑनर, जब मुझे पुलिस कमिश्नर की ओर से सर्कुलर मिला कि किसी भी मरीज का गुर्दे का ऑपरेशन करने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए तो मैं चौकन्ना हो गया और अपने सर्जन्स पर कड़ी नजर रखने लगा, और एक दिन मैंने डॉक्टर वर्मा शर्मा को गुर्दे की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें इंस्पेक्टर देशमुख के हवाले कर दिया। देशमुख के पूछने पर डॉक्टर वर्मा शर्मा ने बताया कि उनका बॉस और कोई नहीं, उनका अपना ही बेटा आकाश है। योर ऑनर, जब इंस्पेक्टर देशमुख को इस बात का पता चला तो वो कांप उठे और उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर ही रहूंगा, और फौरन वो आकाश को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़े। लेकिन अफसोस की बात है कि दूसरे दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि डॉक्टर वर्मा शर्मा, वो चारों हवलदार और इंस्पेक्टर देशमुख को इस कमीने ने अपने देवता समान पिता को मार डाला। ये बहुत ही कमीना आदमी है और उन्हें बहुत ही कमीना आदमी है। थैंक यू मिस्टर अजीत, थैंक यू वेरी मच। आप जाइए। योर ऑनर, अब मैं मिस्टर लालिया जो सरकारी गवाह भी बन चुके हैं उनको अदालत में पेश करने की परमिशन मांगना चाहती हूं। परमिशन ग्रांटेड। नमस्ते मेरे बाप। हाँ तो मिस्टर लालिया, आप मिस्टर आकाश के बारे में क्या जानती हैं? माय बाप, डॉक्टर आकाश ही मेरे बॉस हैं। मैं इनके ही गुर्दा चोरी गिरोह में काम करता था। गरीबों को मैं बेवकूफ बना के लाता था और डॉक्टर वर्मा शर्मा उनके गुर्दे निकालिया करते थे। मगर जब इसने अपने बाप को और वर्मा शर्मा को मार डाला तो माय बाप, मैं डर गया कि वो अपने आप को बचाने के लिए मुझे भी मार सकता है। माय बाप, इसलिए मैं बादाम आप सरकारी गवाह बन गया। मिस्टर आकाश, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है?
नहीं मिला, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। मैं कबूल करता हूं मुझ पे जो भी इल्जाम लगाए सब के सब सच। मुलजिम आकाश के जुर्म कबूल करने, गवाहों और सबूतों को सुनने और परखने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम आकाश पर लगाए गए सारे इल्जाम सच है। इसलिए अदालत दफा 302 के तहत आकाश को सजाए मौत का हुक्म देती है। क्यों किया तूने ऐसा? बोल तूने ऐसा क्यों किया? जवाब दे, जवाब दे मुझे, क्यों किया तूने ऐसा? मेरे सुहाग की कातिल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। मत कह मुझे माँ। अरे अरे, मेरी कोख से जन्म लेकर मेरे सुहाग को डसने वाले सांप, मैं तुझे अपना दूध कभी नहीं बख्शूंगी, कभी नहीं बख्शूंगी तुझे। ये तूने क्या किया माँ, ये तूने क्या किया? तेरी जिंदगी के लिए मैंने अपनी जान का सौदा किया और तू मुझे छोड़ के चली गई। अगर आप किसी ने गोली चलाने की कोशिश की तो जिस साहब की खोपड़ी खोल दूंगा। अंदर चलो। मोर तुम कानून से खेले, जब केशव जैसे कानून के दलाल बिक जाते हैं अपराधियों के हाथों। मेरे बाप को मारा तुम्हारे कानून ने, मेरी मां की जान ले ली तुम्हारे कानून ने, और वही कानून तुम्हारे भाग जाने पर तुम्हारी जान भी ले लेगा। खोपड़ी खोल के रख दूंगा जज, अगर मुझे कानून की पट्टी पढ़ाने की कोशिश की तूने। जय साहब, मेरा आपसे वादा है, जिसने मेरे बाप की जान ली है उस हरामजादे को एक न एक दिन आपके सामने जरूर आऊंगा। गुड बाय। एक बच्चे को इतने सारे सुअर के बच्चे नहीं मार सके हा? अगर वो आकाश को मिल गया तो फौरन मेरी सारे साथी शुरू हो जाएगी, उसके पहले तो हमारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने और लालिया ने मिलकर आकाश के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। वो जरूर हम दोनों पर हमला करने की कोशिश करेगा। सेठ, कहो तो, लटका दो उस साले को। सब साइकिल चलाने नहीं आती और हवाई जहाज उड़ाने की बात कर रहा है क्या? सर, मैंने कमिश्नर से आकाश को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर ले लिया है, बस 24 घंटे के अंदर ही अंदर मैं उसे खत्म कर दूंगा। वेरी गुड। और लाल्या तू भी सुन, अगर 24 घंटे के अंदर तूने उस बच्चे को नहीं मारा तो मैं तेरे गुर्दे निकालकर
किसी कुत्ते के पेट में फिट कर दूंगा। जाओ बच्चे को तलाश करो। भाग गया। छोड़ोगे नहीं इस साले को। चलो। हाँ हाँ सर, उसका नाम कचरा ही है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जैसे ही हमें मिलेगा हम उसे मारकर गटर में फेंक देंगे। लेकिन सर, ऐसे काम के लिए ये पैसे कुछ कम नहीं है? ये एडवांस है इंस्पेक्टर, सिर्फ 10%, बाकी 90% काम होने के बाद मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, फिर तो आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। मुझे तेरी नहीं, उस बच्चे की जान चाहिए, उल्लू के पट्टे। बात समझ में आई क्या? नहीं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको उसकी लाश मिल जाएगी। अरे गंगा तुम? इंस्पेक्टर साहब, मेरा कचरा कहीं गुम हो गया है, मैं उसे ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। घबराओ मत, हम किस लिए, मैं उसे खुद ढूंढ निकालूंगा। धन्यवाद साहब। अच्छा सुनो, हा? अगर तुम्हें कचरा मिल जाए तो मुझे जरूर इत्तला कर देना, ताकि हम लोग परेशानियों से बच जाए। अच्छा साहब। कहाँ गया हरामजादा? चलो चल, जल्दी से फूंक डाल बुढ़िया की लाश को। और रहा आकाश, बहुत जल्द उसकी भी चिता का बंदोबस्त करता हूं। चलो गाड़ी बैठ जाओ। कौन हो तुम? इस मां की बदनसीब औलाद। मां, काश मैं तेरे जीते जी अपने आप को बेकसूर साबित कर पाता। बस गया ना मेरे जाल में, मुझे पता था तू अपनी मां की चिता पे आग लगाने जरूर आएगा, इसलिए मैं यहां से हट गया था। मैं तुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा, बल्कि गोली मार कर तेरा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, क्योंकि कमिश्नर ने गुर्दा चोरी करने के गिरोह को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया है। क्यों मां की असली औलाद? Come on.
मम्मी फुटपाथ भैया की तरह कचरा भैया नहीं नाली नहीं ऐसा मत बोल। एक दुख तो मैं झेल गई मगर दूसरा दुख एक गंगा बता छोकरा किधर है क्यों क्या काम है पहले छोकरा तो मिल जाने दे फिर काम भी बताऊंगा बोल किधर है मेरे को मालूम है मैं खुद ढूंढ रही हूँ उसे नाटक कर रही है सारी इसने उसको झूठ पर रखा है बिल्कुल ठीक मैं इसे ले जा रहा हूँ छोकरा ला कर देगी तो छोकरी वापस मिलेगी साले बाप का माल समझ रखा है छोड़ दे वरना वरना क्या करेगी क्या करूंगी जलकर राख हो गया गंगा सब कुछ जलकर राख हो गया ऐसी आग लगी है अरमानों के गुलशन में चारों तरफ बेबसी के धुएं के सिवा कुछ भी नहीं है यहां तक कि अपनी बेबसी में रोने के लिए आंखों में आंसू तक नहीं है मेरे देख गंगा मेरी आंखों में देख पतला गई है आंखें सूख गई है आंखें आकाश समझ में नहीं आता आकाश कि अपने दुखों पे रो कि तुम्हारे आंसू पोछूं कैसा ये मुकद्दर का खेल है कि तुमसे तुम्हारे माँ बाप छिन गए और मुझसे फुटपाथ और कचरा जुदा हो गए गंगा क्या इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां सिर्फ प्यार ही प्यार हो नफरत का दूर दूर तक पता ना हो है गंगा हाँ आकाश हाँ हम इस नफरत की दुनिया से दूर उस दुनिया में चले जाएंगे
आकाश पुलिस आ गई। हाँ। पुलिस आ गई। चलो अली जल्दी करो आगे चलो। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक ही रात में चार गुंडे और एक हत्या। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, ये पेपर वाला आया मैम साहब। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, चौदह रुपए में चंडी का, चौदह रुपए में चंडी का, चौदह रुपए में चंडी का। हेलो आशीयो, मेरे गाड़ी में क्या करता तुम? मुझे बचा लो, चीनी तो लाले मुझे मार डालेगा। काय को मार डालेगा? क्योंकि मैंने नाना देशमुख का खून होते देखा है। अयो, नाना देशमुख का खून तो उसके बेटे आकाश ने किया है। नहीं, वो खून आकाश अंकल ने नहीं किया। फिर? वो तो कोई दूसरा आदमी था। कौन? वो लाले आ रहे, अंकल मुझे बचा लो। तू सीट के नीचे चुप जा, मैं अभी लाले का पीलिया बना के आती। अच्छा ठीक। अयो अयो, लाल कोट में कतरा। बकवास बंद कर। रेड कोट वेरी डेंजर सर। कार का दरवाजा खोल। वाई वाई वाई, अरे हमारा बच्चा खो गया है, उसको ढूंढते हैं हम। अयो इल्ला, कोई बच्चा इल्ला, इधर कोई बच्चा, बच्चा नहीं है। आहा आहा, बच्चा इल्ला, नो बच्चा इल्ला इल्ला इल्ला। कैसी बातें करती है? हट। हो जा रहा है, हो जा रहा है, पकड़ो इसे। अयो, ये तो अपने स्वामी का केस है, उसको बताना पड़ेगा और आकाश को खून करने से रोकना पड़ेगा। तुम हरामजादे, तुम यहां क्या करने आए हो? हरामजादे, आज मैं तुझे मजबूर करने आया हूं कि तू अपना सर मेरे पैरों पर रखकर अपनी जिंदगी की भीख मांगे। आकाश, आज क्राइम और कानून दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं, सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है। किस किस को झुकाओगे अपने कदमों में? यह दुनिया झुकती है कमीने, ये दुनिया झुकती है जिनके पास सीता समान मां की शक्ति हो और राम समान पिता की भक्ति हो। बोल बोल, तूने किसके इशारे पर मेरे खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही दी थी? बोल, वरना मैं तुझे इसी वक्त दुनिया से रुखसत कर दूंगा। बोल। बताता हूं, बताता हूं, लेकिन गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। पुलिस स्टेशन। लगता है वो यहां गया है। कम ऑन, चलो मेरे साथ। आकर जल्दी बैठो। थैंक यू सर। तेरे को बचाना हमारा मॉरल ड्यूटी है। जब से हमको पता चला कि तुम इनोसेंट है, हम तेरे को ढूंढता है। हमारा वाइफ हमको बताया कि वो कचरा नाम का छोकरा, कचरा, और तेरे बाप के कूनी को जानता है। कचर का जान खतरे में है, लालिया उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। ओह, तो
पहले कचरे को डालिए से बचाना होगा। प्रीति अंकल मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं देखा ना, मैं किसी को कुछ बोल लूंगा। उठाओ साले को। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। भागते भागते मेरे फेफड़े फट गए, मैं तुझे काट डालूंगा। नहीं नहीं मुझे मत मारो भगवान के लिए, मुझे मत मारो, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो, वो याद करके बहुत रोती होगी। मेरी माँ तो अब जिंदगी भर रोती रहेगी, क्योंकि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोल कचरा बोल, तेरे नाखून किसने किया? बोल। कैसे देती तू? कचरा कचरा बेटा होश में, होश में कचरा, होश में। ये बेटा आकाश अंकल, कचरा ये मेरी बेगुनाही का आखिरी सबूत है। आकाश समय बर्बाद मत करो, इससे पहले वो गुंडा या पुलिस वाला इधर आ जाए, यहाँ से निकल चलो। चलो आकाश को बच्चा मिल गया और तुझे मौत मिल गई, अब मैं खुद जाकर उस बच्चे को मारूंगा। कचरा कचरा बेटे आके खोलो नी, कचरा कचरा। हाँ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, यहाँ कचरा को होश नहीं आ रहा है और वहां मौत और कानून मेरे पीछे मुझे बनकर पड़े हुए। आकाश कचरे का होश आ गया बाबा। बोल बेटा बोल, कौन है जिसे तू नाना जी को खून करते देखा है? वो जो कोर्ट में सबसे ऊपर बैठकर हथौड़ा बजाकर टक टक करता है, वो जज साहब। हाँ वही काली कोट वाला। रंजीत मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे पकड़ेगा तब ना। हाँ? इससे पहले मैं तेरी आत्मा को मजबूर कर दूंगा कि तेरा शरीर छोड़कर उड़ जाए। टपकने के लिए तैयार हो जा, मगर पहले
तू टपकेगा शिशादड़ी। तू साला कैसा फटीचर जज है, अभी केस चला नहीं, तो वकील आपस में बहस नहीं किया और तू इनको मारने का सारा जजमेंट सुना दिया। आइए यो 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 यो। और अब मैं तेरा भी जजमेंट देता हूँ, मेरा राज जानने के जुर्म में मैं तुझे मौत की सजा देता हूँ। छुट्टी कर दो इसकी। आइयो, उससे पहले मैं तेरी छुट्टी कर दूंगा। आज दशहरे की छुट्टी का दिन है। आज का दिन है राम ने रावण का छुट्टी किया था, पुण्य ने पाप का छुट्टी किया था और धर्म ने अधर्म का छुट्टी किया था। और अब तू जा लंबी छुट्टी पर। साला मेरी छुट्टी। कुंडली की मंडली बना दी, तू भाग जा भाग जा। एक मिनट, एक मिनट, तेरा माँ है, तेरा माँ है, तेरे को माँ का कैसे मेरे को दबाओ? ऐसे नहीं दबा, मालिश की तरह दबा, मालिश की तरह दबा। मालिश नहीं आता, नहीं आता, इतना बाल काय को रखा, काय को रखा, मेरा माफी रखो ना, ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा। Thank you.
अरे मालूम है ये क्या है? बेलन जी, रोटी खाओगे जी? तुम भी खाओगे? मैं खाएगा? मैं रोटी बना खिलाती। गोल गोल पानी इतना इतना पानी, गोल गोल रानी इतना इतना पानी, अरे गोल गोल अब तुम गोल गोल रानी, गोल गोल अरबी, गोल पंडित, इधर को पंडित का आउ उधर गया, आओ भैया, धरती गोल है, अगर मेरा घूसा भी गोल है, अरे उठ, वाह, आड़ ले, अच्छा ले, अच्छी, देख देख दो मुंह के साथ भगवान का इंसाफ देख, आज उसने तुझे वहीं पहुंचा दिया है जहां तू बैठकर बेगुनाहों को सजा सुनाया करता था। देख, माफ कर दे, माफ कर दे भगवान के लिए, मुझे माफ कर। आए हरगिज़ नहीं, तू मेरे बाप का कातिल है, तू उन तमाम मासूम लोगों का हत्यारा है जिनको तूने धरती पर कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगने में मजबूर कर दिया था। तुझे माफ कर दूं, हराम करे। यहां तूने बरसों बैठकर इस कुर्सी का अपमान किया है, आज मैं तुझे इस कुर्सी के अपमान की, इस इंसाफ के मंदिर के अपमान की ऐसी भयानक सजा दूंगा कि जिसे सुनकर गुनहगारों की रूहें कांप उठेंगी। मिस्टर आकाश, तुमने इस नकली जज के चेहरे से नकाब हटाकर कानून की मदद की है, मगर साथ ही साथ कानून को अपने हाथ में लेकर कई खून भी किए हैं। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने पर मजबूर हूं। आओ मेरे साथ। एक मिनट रेडी हो गया मैं, एक मिनट आप मारो, अरे मारा, मेरे को मारा रुक गया। आइए मिस्टर बिजानी, आइए बाल वाला, अरे बाल से मेरे को बहुत शादी, अरे शाम बिजलानी, देखो मेरा शाम बिजलानी आया, आया गिरफ्तार कर लो इन सबको, ये सारा गुड़दा चोर है, गिरफ्तार कर लो सबको, पकड़ लो सबको, हरिया अरे भाग तो कहाँ है? हाँ अबे क्या था कि मेरा क्या है? सामने सामने इसको लेके जाओ जी, बड़ी संगीता, थैंक यू, थैंक यू। कैसा शेष राजड़ी, तुम तो सारा धर्मेंद्र की माफी करता है, आओ गले लग जाओ हमारे, आओ। अंकल मैं भी हूँ। थैंक यू बिजलानी, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आया, आज से हम दोनों दोस्त बिजलानी, आज से हम दोनों दोस्त शेष राजड़ी।